माना जाता है कि कोई भी अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और यही सोचकर बहुत से लोग प्लान होते हुए भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। मगर आज हम आपको जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे, उसमें आपको सिर्फ 55,000 रुपये इन्वेस्ट करके अपनी यूनिट लगाने का मौका मिल रहा है। बाकी का सारा पैसा आपको लोन मिल जाएगा, और इस बिजनेस के जरिए सभी खर्च काटने के बाद हर महीने स्टार्टिंग में ही 14,000 रुपये तक की इनकम की जा सकती है। जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बिजनेस है बनाना फाइबर, यानी केले के धागे से बनने वाले प्रोडक्ट्स की यूनिट स्टार्ट करने का। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, बनाना फाइबर भी जूट फाइबर की तरह इको फ्रेंडली होता है। बनाना फाइबर एक्सट्रक्शन की टेक्नोलॉजी साउथ इंडिया में डेवलप की गई थी, और साउथ इंडिया में एक बहुत अच्छी संख्या में बनाना फाइबर एक्सट्रक्शन यूनिट्स काम कर रही हैं, और कुछ फर्म्स को बनाना फाइबर से बने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और कमा रही हैं अच्छा खासा मुनाफा। इस बिजनेस से अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ साथ आप बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि बनाना फाइबर का स्कोप कितना है। दोस्तों, बनाना फाइबर से हैंडबैग, कारपेट, चटाई, बेल्ट, कपड़े, साड़ी, सैंडल, डोरमेट, कई तरह के गिफ्ट बॉक्स, दरी, कैप, फोटो फ्रेम, सोफ़ा कवर और टोकरी जैसे प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। ख़ास तौर से आजकल शहरों में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। घरों में सजावट के लिए भी बनाना फाइबर से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे बनाना फाइबर की अवेलेबिलिटी बढ़ने से ये यूनिट किसी भी शहर में लगाई जा सकती है। हमारे देश के साउथ इंडिया वाले इलाकों में ऐसी कई यूनिट सक्सेसफुली रन कर रही हैं जहाँ पर केले की खेती ज़्यादा होती है। आइए अब बात करते हैं इस बिज़नेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स की यूनिट शुरू करने के लिए आपके पास 1200 वर्ग फुट का एक कवर्ड स्पेस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन भी लेना होगा। अगर हम खर्च की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी पर जो खर्च होगा वो होगा 1,30,000 रुपये। इस खर्च में बनाना फाइबर एक्सट्रैक्टर यानी केले का रेशा निकालने वाली मशीन, करघा, रील, शटल और पिन शामिल है। वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो आपको 70,000 रुपये हर महीने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसके अंदर 15 दिनों के प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल यानी केले का तना, कलर, पैकेजिंग के लिए मटेरियल और बाकी के सामान शामिल हैं। अगर हम कुल खर्च की बात करें तो बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाने के लिए जो कुल खर्च होगा वो होगा 1,30,000 रुपये और 25,000 रुपये, यानी 1,55,000 रुपये। यूनिट लगाने के लिए इसमें से आपके खुद के पास सिर्फ 55,000 रुपये की ज़रूरत है, बाकी का सारा आपको लोन मिल जाएगा। स्कीम के तहत प्रोजेक्ट दिखाने पर बैंक की ओर से 1,00,000 रुपये का लोन मिल जाएगा मुद्रा स्कीम के अंदर बहुत आसानी से। खर्च की तो बात हो गई दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस बिजनेस से कैसे होगी आपको इनकम। अगर हम मुद्रा स्कीम के अंदर बने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो सालाना खर्च जो है वो 4,99,000 रुपये आता है। सरकार ने मुद्रा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 1,55,000 रुपये के शुरुआती खर्च में जो प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग की है उसके अनुसार पूरे साल के लिए प्रोडक्ट बनाने, सेल करने, टैक्स, सैलरी और लोन का ब्याज देने में जो कुल खर्च आएगा वो 4,99,000 रुपये आएगा, और जो आपके प्रोडक्ट्स की सालाना सेल्स होगी वो 6,65,000 रुपये होगी। इतने खर्च में जो आप जितने भी प्रोडक्ट बना पाएंगे उनकी कुल सेल 6,65,000 रुपये होगी। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 6,65,000 में से 4,99,000 रुपये माइनस करने के बाद जो आपको पहले साल का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा आता है वो आता है 1,66,000 रुपये, जो आपको करीब करीब 14,000 रुपये महीना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा उसी एवरेज में आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। आइए अब एक बार इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो आपको टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1,70,000 रुपये।
आपका जो आपको प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन यानी जो आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा वो होगा 55,000 रुपये। एनुअल सेल्स रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो होगी 6,65,000 रुपये। एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो होंगे 4,99,000 रुपये। एनुअल प्रॉफिट की अगर हम बात करें प्री टैक्स तो वो होगा 1,66,000 रुपये। प्री टैक्स रिटर्न ऑन सेल्स की बात करें तो वो होगा 25%। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो 31%। नंबर ऑफ पर्सन्स जो आपके इस यूनिट में काम करेंगे वो होंगे 8 बंदे। तो दोस्तों इस तरह से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कमा सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट, वो भी इतनी लो इन्वेस्टमेंट में। 1 लाख से भी कम में स्टार्ट होने वाले बिजनेस बहुत कम होते हैं और ये बिजनेस उन्हीं में से एक है। इस बिजनेस के लिए आपको मुद्रा स्कीम के अंदर लोन मिल जाएगा और इतनी कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके आप एक अच्छी खासी सक्सेसफुल रन होने वाली यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। थैंक यू।